Hey guys, welcome back to this channel. So for the last few months, last 6-7 months, my channel has grown somewhat a little bit more, but as a result, I'm getting lots and lots of questions, not only just in YouTube, mera LinkedIn pe, Instagram pe, Facebook pe, sare jagah pe, even kuch log to call bhi kar rahe, kuch log WhatsApp pe bhi message kar rahe. बहुत सारे क्वेश्चन मैं रिसीव कर रहा हूँ, उनका गेट एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेरीज़ है, उनके प्लेसमेंट, उनके कॉलेज, उनकी कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट, वैसे बहुत सारे क्वेरीज़ मेरे पास आ रहे हैं. तो द थिंग इज़ दैट आई एम गेटिंग मोर देन 100 टू 150 मैसेजेस पर डे. तो हर एक मैसेज को रिप्लाई देने का कोई पॉसिबिलिटीज़ तो इस टाइम पर नहीं होगा, मेरे पास उतना टाइम भी नहीं है, उतना मतलब आप किसी को भी 100 मैसेज हर दिन रिप्लाई नहीं दे सकते हो. So for that, I'm going to organize this Q&A session. मैंने already एक post दिया था मेरा community tab पे YouTube पे कि आपने question पूछ सकते हो. So this is the Q&A video from all the questions that were posted in my YouTube community channel. Maybe शायद next week या फिर उसके बाद मैं और एक Q&A videos organize करूँगा जो question मेरा Instagram पे as well as LinkedIn पे post हुआ है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे questions है. मेरा हर एक video का हर एक comment पे भी as well as community post पे भी बहुत सारे question है. So उसके बीच में कुछ selected question जो कि बहुत अच्छी क्वेश्चन है, उसके लिए मैं ये Q&A ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ. सो व्हाट्स द वीडियो टिल द एंड, बहुत सारी चीज़ मैं कवर करूँगा, आपकी क्वेश्चन का रिप्लाई मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा देने का. एंड ऑल्सो डोंट स्टॉप आस्किंग क्वेश्चंस, क्योंकि मैं डेफिनेटली, मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि आप जब क्वेश्चन पूछते हो, मैंने बहुत लोगों को रिप्लाई दे देता हूँ, आप लोगों को ऑलरेडी रिप्लाई मिल चुका है. अगर वो क्वेश्चन इंटरेस्टिंग हो, अगर वो क्वेश्चन मेरे को अभी आया है, तो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल ऑफ दैट क्वेश्चंस. लेकिन मेरे को डायरेक्ट आप क्वेश्चन पूछो. बहुत लोग ये करते हैं कि हाय भैया, कैन आई आस्क यू समथिंग, ऐसे करके वेट करते हैं मेरा रिप्लाई का. तुम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है, कोई आपको वेट करने की जरूरत नहीं है. जस्ट से सिंपल हाई हेलो एंड देन आस्क योर क्वेश्चन फ्रॉम द फर्स्ट मैसेज इट्सेल्फ. ठीक है, मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा, अगर टाइम मिलेगा, अगर क्वेश्चन इंटरेस्टिंग होगा, तो डेफिनेटली मैं आपकी रिप्लाई दे दूंगा. और अगर नहीं पॉसिबिलिटीज होंगे तो Q&A तो आते रहेंगे, हर महीने मैं ट्राई करूंगा एक दो Q&A ऑर्गेनाइज करने का, एंड उसके मैं सारे के सारे क्वेश्चन का जवाब दे दूंगा. ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम सुनरी बनर्जी. And he's asking about what are the skills required for the TR1 college after he gets selected in MTech CSE. ठीक है, तो TR1 कॉलेज मीन्स आई एम एज्यूमिंग IITs और IIITs के और या फिर NITs के बारे में बात कर रहे हैं. सो फॉर दैट सुनरित, यू नीड टू लर्न एटलीस्ट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक C++, इसमें से कोई भी एक, एंड उसके साथ जावा एंड पाइथन. ठीक है, जावा एंड पाइथन में ऑप्शन है, आप पाइथन भी सीख सकते हो, कोई बात नहीं. आप गिट सीख सकते हो, गिट कैसे यूज़ करना होता है, गिट हब में कैसे आप कोड डाल सकते हो, गिट हब में कैसे आपको रिपोजिटरी क्रिएट करना है, कैसे फाइल डालना है, ये सारे नॉर्मल जो गिट ऑपरेशन है, गिट ऑपरेशन आप सीख लो. उसके साथ लेटेक सीख लो, लेटेक आपको डेफिनेटली यूज़ करना ही होगा. आप कोई भी कॉलेज पे जाओ, आपको असाइनमेंट, प्रोजेक्ट या फिर आपको थीसिस या फिर रिसर्च की कोई आपको पेपर लिखना है, कुछ भी लिखना है, आपको लेटेक यूज़ करना है. तो लेटेक के बारे में आइडिया अगर नहीं है तो दैट विल बी अ ह्यूज प्रॉब्लम. मेरे पास उतना आइडिया नहीं था लेटेक के बारे में, तो आई वॉज फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, बट कुछ दिन के बाद वो सेटल हो गया था. बहुत ही ईजी है, मतलब आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपके पास उतना ही ज़्यादा फ्लो हो जाएगा. एंड ऑल्सो अगर आप मशीन लर्निंग या फिर AI डोमेन में जाना चाहते हो, तो एटलीस्ट आपके पास जो बेसिक मैथमेटिक्स होता है, जो बेसिक एलिमेंट्री कैलकुलस होता है, लिनियर एल्जेब्रा एज वेल एज प्रोबेबिलिटी, इन सेक्शन आपको थोड़ा बहुत क्लियर होना चाहिए. क्योंकि अगर ये बेसिक मैथ क्लियर नहीं है, तो आप मशीन लर्निंग पे जो एडवांस कॉन्सेप्ट है उसमें आप आगे नहीं बढ़ पाओगे. तो ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू लर्न, सो यू डोंट नीड टू टेक एनी काइंड ऑफ टेंशंस नाउ. आप धीरे धीरे इसको सीख लो, बट गेट एग्जाम हो जाने के बाद जो टाइम मिलेगा, 2-3 मंथ की एक टाइम मिलेगा, उसमें आप सीख लो इजीली. आप वहाँ पे भी जाके सीख सकते हो, बट दैट विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम नो वन, हिज यूजर नेम इज नो वन. तो इनका एक्चुअली 3 क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, कि आर यू अ फुल टाइम यूट्यूबर, एज इन योर LinkedIn प्रोफाइल इट इज एड एक्स VMware, डू यू हैव अ प्लान टू मेक पेड कोर्सेज. तो काइंड ऑफ येस, आई एम काइंड ऑफ डूइंग यूट्यूब एज अ फुल टाइम जॉब, एंड उसके साथ साथ भी मैं कुछ अलग चीज़ भी करता हूँ, वो बाद में हम बोलेंगे. एंड ऑल्सो येस, आई डू हैव अ प्लान फॉर सम पेड कोर्सेज, बट नॉट नाउ. मतलब मैं उसके लिए कुछ काम कर रहा हूँ. देर आर सेवरल डिफरेंट थिंग्स इन माई माइंड दैट आई एम गोइंग टू क्रिएट. कुछ कोर्सेज फ्री होगा, कुछ कोर्सेज पेड होगा. तो इफ़ यू हैव एनीथिंग इन माइंड, इफ़ एनी वन ऑफ यू हैव एनीथिंग इन माइंड कि आपको कौन सी कोर्स चाहिए, आपकी गेट रिलेटेड कुछ कोर्स चाहिए, या फिर आपको मशीन लर्निंग या फिर प्रोग्रामिंग या फिर प्लेसमेंट के रिलेटेड कुछ कोर्स चाहिए, आप मेरे को कमेंट करके बताओ. एंड सेकेंड क्वेश्चन इज स्कोप इन अनदर डोमेन लाइक यूट्यूब फॉर मेकिंग शॉर्ट फैक्ट वीडियो. येस, यू कैन मेक एनी काइंड ऑफ वीडियोज ऑन यूट्यूब, देर आर प्लेंटी ऑफ चांसेस, बट यू हैव टू बी वेरी पेशेंट. क्योंकि पहले आपको मतलब
छः मंथ या फिर एक साल में कुछ इनकम उतना अच्छी इनकम जनरेट नहीं हो गए, बट एज लॉन्ग एज यू कंटिन्यू, इफ़ यू कीप पेशेंस एंड इफ़ यू स्टिक टू वॉट एवर यू आर डूइंग, यू हैव अ वेरी वेरी गुड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, नॉट ओनली इन यूट्यूब, आप कोई भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको बहुत ही मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होने की चांसेस है. सो यू हैव टू बी वेरी पेशेंट एंड हैव टू स्टिक टू वॉट एवर यू आर डूइंग एंड कुछ भी करो आपके पास बहुत ज़्यादा चांसेस है. एंड द थर्ड क्वेश्चन इज़ वेरी मच इंटरेस्टिंग, दैट इज़ रिटन इन बंगाली, कि दादा बी ए कबे करछो एंड विच मीन्स वेन आर यू गोइंग टू गेट मैरिड. तो और की बोलबो, सोशल मीडिया तो फॉलो करो, इंस्टाग्राम फेसबुक फॉलो करो, जखन करबो ठीक जानते पे जाबे. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द वर्किंग मैन, ही आस्क हाउ टू गेट इंटरनेशनल ऑफर्स एंड ऑल्सो इज मास्टर डिग्री एट दैट पर्टिकुलर कंट्री द ऑप्शन टू गो फॉर इट. तो येस, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द मास्टर्स टू सम डिफरेंट कंट्रीज लाइक US, जर्मनी, UK, ऑस्ट्रेलिया. तो आप अगर वहाँ पे मास्टर डिग्री करोगे तो वहाँ पे आप डेफिनेटली जॉब पा सकते हो, बट रिसेंटली देयर आर अ फ्यू क्राइटेरियाज दैट वेयर इम्पोज्ड इन US. तो जॉब पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टीज आपको फेस करना होता है, आपको वीज़ा के रिलेटेड कुछ अलग प्रॉब्लम्स होता है. तो बेटर अगर आप इंडिया पे डिग्री लेके इंडिया पे जॉब करना चाहते हो तो देर आर प्लेंटी ऑफ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेंटी ऑफ गुड अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया इटसेल्फ, आपको बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है. तो इफ़ यू वांट टू गो टू आउटसाइड ऑफ इंडिया, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर अ डिग्री इटसेल्फ. तो जॉब के लिए मैं उतना आपको अश्योर नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास उतना सारे इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, बट इफ़ यू आर सेटल डाउन डेफिनेटली यू हैव द ऑप्शन, बट देयर माइट बी सम डिफिकल्टीज यू हैव टू फेस. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम सौरभ पत्रो, he is a final year student. Should I do competitive programming with GATE? If yes, how much time should I devote it? Otherwise, it will be a problem, as he is thinking. So yes, you can do competitive programming. You can do a different jo data structure wali problem hai, usko solve kar sakte ho. But not just, you have to be a very good competitive programmer to get into good companies. Like जैसे कि code forces में आपको red होना है या फिर code chef में आपको 6-star, 7-star लाना है, ऐसा कोई भी जरूरत नहीं है. There are a lot of my friends who did not join even code forces or code chef, but still got a job in top companies like Google, Microsoft, Amazon, Facebook, Flipkart. ऐसे बहुत सारे companies पे job कर रहे हैं. सो यू हैव टू हैव द बेसिक DSA वाली प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो आपको लीड कोड में, इंटरव्यू बीट में, Geekforgeeks में अवेलेबल है. सो बेटर आई सजेस्ट यू प्रैक्टिस लीड कोड. यू कैन डू 200-300 प्रॉब्लम्स ईजिली, यू कैन डू सेक्शन वाइज, डिफिकल्टी वाइज क्वेश्चन फ्रॉम द लीड कोड इट्सेल्फ, इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म. तो अगर आप CP करना चाहते हो आप डेफिनेटली CP में जा सकते हो, अगर नहीं है तो DSA वाली प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इज इनफ टू गेट अ जॉब. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम धर्षिनी रवि कुमार, on average how many full length mock test should you give before the GATE examination? तो देखो आप you should at least give 5-6 mock test. अगर आपके पास time है तो 7-8 mock test, उससे ज़्यादा mock test देने की कोई ज़रूरत नहीं है. उसके बाद सब कुछ आपके पास clear हो जाएगा कि कहाँ पर आपकी mistakes हो रहा है, कहाँ पर आपकी difficulties face हो सकते हैं असली GATE में. तो यू कैन रेक्टिफाई दैट, यू कैन गो टू दैट सब्जेक्ट्स विच यू हैव द डिफिकल्टीज. एटलीस्ट ट्राई करो 5-6 मॉक टेस्ट अगर पॉसिबल है तो आप डेफिनेटली दे सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं, उसके कम भी नहीं, 5-6 मॉक टेस्ट इज द नॉर्मल. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम पल्लवी, इट्स अ वेरी वीक क्वेश्चन, दैट इट लुक्स लाइक माई सिलेबस कंप्लीशन इंक्लूडिंग प्रैक्टिस विल टेक मोर टाइम देन आई थॉट. सो बेसिकली शी इज आस्किंग दैट इफ यू स्टार्ट लेट इन योर टेस्ट प्रिपरेशन एंड द टाइम गैप, लाइक इफ यू आर गिविंग द टेस्ट नाउ एंड द गेट 22 एग्जाम्स, द टाइम गैप इज वेरी लेस, तो आपको जनवरी में टेस्ट देना चाहिए कि नहीं, आपको बाद में अगर आप टेस्ट दोगे तो इसमें कोई डिफिकल्टीज हो सकते हैं कि नहीं. तो देखो द वन थिंग आई विल सजेस्ट कि आप पहले सिलेबस कंप्लीट करो, सिलेबस कंप्लीशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. टेस्ट अब जितना ज़्यादा दोगे कोई उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा. अगर आपकी सिलेबस अभी बाकी है, 2-3 सब्जेक्ट की सिलेबस अगर बाकी है तो उसको कंप्लीट करो. कंप्लीट करने के बाद अगर आप जनवरी में टेस्ट देना चाहते हो तो कोई बात नहीं, जनवरी में पूरा लोग मतलब ऑल द एस्पिरेंट्स विल गिव टेस्ट इन द एंटायर जनवरी मंथ. तो जनवरी में आप डेफिनेटली टेस्ट दे सकते हो एंड दैट विल ऑल्सो नॉट क्रिएट अ नेगेटिव इम्पैक्ट इन योर मेंटल कंडीशन, क्योंकि अगर सिलेबस कंप्लीट है तो आप डेफिनेटली ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओगे टेस्ट सीरीज में. अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो ऑब्वियसली बाई डिफॉल्ट आपकी उतना मार्क्स नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटी तो बहुत कम है, आपने बहुत कम सिलेबस कंप्लीट किया तो ऑब्वियसली आपकी मार्क्स उतना नहीं आएगा एंड दैट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन योर मेंटल कंडीशन. तो बेटर सिलेबस कंप्लीट के पीछे भागो, टेस्ट सीरीज में आप बाद में भी दे सकते हो, देर आर प्लेंटी ऑफ टाइम, डोंट वरी अबाउट दैट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ABH, ओके इंटरेस्टिंग नेम. द क्वेश्चन इज दादा डज VMware टेक इंटर्न्स फ्रॉम अंडर ग्रेजुएट लेवल एंड कैन यू काइंडली इलेबोरेट द इंटरव्यू प्रोसेस एंड द क्वेश्चन फ्रॉम VMware. येस, VMware डज टेक स्टूडेंट्स फ्रॉम अंडर ग्रेजुएट लेवल.
अगर आप आई थिंक थर्ड ईयर में हो, सेकेंड ईयर टू थर्ड ईयर से आपको इंटरव्यू मतलब इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यू या फिर रिटन टेस्ट चालू हो जाता है। मेरे पास बहुत सारे दोस्त थे जो ऑलरेडी थर्ड ईयर से भी VMware पे इंटर्नशिप कर रहे थे। सो दैट इज़ अ गुड ऑप्शन। VMware बहुत इंटर्न को हायर करते हैं, एंड नॉट ओनली जस्ट VMware, देर आर प्लेंटी ऑफ अदर कंपनीज, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर, बहुत सारे जो अलग अलग कंपनीज है वो बहुत इंटर्न्स हायर करते हैं। सो नॉट जस्ट VMware इज़ द ओनली ऑप्शन। आप इंटर्नशिप के लिए प्रिपेयर करो, एंड द इंटरव्यू प्रोसेस एंड द क्वेश्चंस इज जस्ट नॉर्मल DSA वाली क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपके पास कुछ अच्छी प्रोजेक्ट है तो वो प्रोजेक्ट से भी पूछ सकते हैं, बट नॉर्मल DSA वाली प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपको नॉर्मल DSA वाली जो क्वेश्चन है, जस्ट प्रिपेयर ऑल ऑफ दैट, बी अ वेरी गुड प्रॉब्लम सॉल्वर, एंड आपको वही सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा इंटरव्यू पे, एज वेल एज रिटन टेस्ट में तो आपको कोडिंग में वही सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम श्रीजा घोष, द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट शी हैड, कंपेयरलाइट डिजाइन DBMS, OS, CN और COA yet to complete. So should I complete all of them or leave few and focus more on revising and practice? No, not at all. It is necessary. You have to complete the syllabus. As I already told in the previous questions, you have to complete syllabus. उसके बाद आप जितना चाहे टेस्ट दे दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आप कर सकते हो, बट फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर कंप्लीट ऑल द सिलेबस, ठीक है। द थिंग इज अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन यू हैव लेफ्ट 5 सब्जेक्ट, उसके अलावा आप कितना सब्जेक्ट कंप्लीट करोगे, 6-7 सब्जेक्ट कंप्लीट होगा, तो उससे कितना मार्क्स आएगा, आप कितना भी रिविजन करो, कितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, कितना ही मार्क्स आप ला सकते हो। सो द बेस्ट थिंग वुड बी टू कंप्लीट ऑल द सिलेबस, चाहे कुछ भी हो, सिलेबस कंप्लीशन इज अ मस्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम सार्थक, शुड आई प्रिपेयर बोथ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग और गेट, और शुड आई फोकस ऑन एनी वन ऑफ देम एंड वाई? सो ही इज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, सो डोंट वरी, आपके पास बहुत सारे टाइम है। सो फोकस ऑन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, एंड मैंने ऑलरेडी बताया एक प्रीवियस क्वेश्चन में कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में भी आप अगर जाना चाहते हो तो जा सकते हो, नहीं तो आप नॉर्मल DSA वाली प्रॉब्लम सॉल्व करो, लीड कोड से या फिर गीक्स फॉर गीक्स से या फिर इंटरव्यू बीट से आप नॉर्मल DSA वाली प्रॉब्लम सॉल्व करो। पहले आप डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम सीखो, उसके बाद उस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करो जो लीड कोड में अवेलेबल है, एज वेल एज गीक्स फॉर गीक्स में भी अवेलेबल है। आपको कोड शेप कोड फोर्सेस के में भी पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है। इफ़ यू पार्टिसिपेट दैट विल बी एन एडेड एडवांटेज। आई विल हाईली एनकरेज यू टू मेक योर बेस्ट यूसेज। आप अभी फर्स्ट ईयर में हो तो सेकेंड थर्ड ईयर में आप जम के पार्टिसिपेट करो। कोड शेप में रेगुलर हर महीने लॉन्ग चैलेंज होता है, कोड फोर्सेस में भी हर महीने बहुत सारे छोटे छोटे कंपटीशन होता है, तो पार्टिसिपेट करो। एंड ऑल्सो उसके साथ साथ लीड कोड में भी आपको थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करना है, लीड कोड में भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है। एंड उसके साथ साथ अगर आप गेट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो यू कैन गो फॉर गेट ऑल्सो। बट अगर आप कोडिंग में अच्छे हो तो डेफिनेटली आपकी जॉब लगने वाले है। अगर आपकी ऑन कैंपस नहीं लगेगा तो ऑफ कैंपस में डेफिनेटली आपको लगने वाला है। बट इफ़ यू आर स्टिल इंटरेस्टेड इन हायर स्टडीज और मे बी सम काइंड ऑफ बेटर प्लेसमेंट, इफ़ यू गो टू IITs, इफ़ यू टू गेट सम ब्रांड नेम इन योर रेज्यूमे, इन योर डिग्री, तो डेफिनेटली आप गेट के लिए अप्रोच कर सकते हो। तो बोथ आर मैनेजेबल आई कैन से। मैं ऑलरेडी मेरा एक प्रीवियस वीडियो में बताया कि हाउ आई मैनेज्ड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एज वेल एज गेट, मैंने दोनों के लिए टाइम निकाला, एंड दैट इज़ प्रीटी मच इजी। आपको थोड़ा थोड़ा करके टाइम निकालना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेल्फ फ्रॉम मनीष कुमार पॉल, इज 2 months enough for revision plus test? Yes, it's enough. December, January आप revision test दे दो, उसके साथ साथ previous year question भी practice करो, 2 months is more than enough. The next question is from Shubhankar Roy, is there any prerequisite for pursuing MTech or something which one should know and which will help them in 2 years of MTech journey? Yes, I already told in the very first question, आपको क्या क्या चीज़ करना है, so just follow that answers, all the steps are really easy. But don't worry about that. पहले गेट एग्जाम में फोकस करो, उसके बाद यू कैन लर्न ऑल ऑफ दैट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम जंगली पिल्ला, आई एम अ ड्रॉपर, इफ आई डिडंट गेट अ गुड रैंक फॉर MTech, देन व्हाट शुड आई डू? वेल, दिस माइट बी द थॉट दैट इज इनसाइड अ लॉट ऑफ द स्टूडेंट्स माइंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा कि आप नेगेटिव मत सोचो। अगर आप पहले से ही ये सोचोगे कि आपके रैंक अच्छे नहीं आने वाला है तो कैसे आपके रैंक अच्छे आएगा? तो पहले से नेगेटिव मत सोचो, उसके बाद देखा जाएगा। एंड गेट जैसी बहुत सारी चीज़ तो है ना, आपकी इसरो है, आपकी बार्क है, आपकी अलग जो PSU वाली एग्जाम है उसको भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। देर आर प्लेंटी ऑफ अदर इंस्टीट्यूट्स लाइक IIIT हैदराबाद, IIIT दिल्ली, ISI कोलकाता, उसके लिए भी सेपरेट एग्जाम होता है, तो आप उसी एग्जाम में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। गेट जैसी सिलेबस है, आपको कुछ अलग चीज़ पढ़ने का भी जरूरत नहीं है, तो देर आर प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स पॉसिबल, तो डोंट वरी अबाउट दैट। पहले आपको हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होना है कि मेरे को अच्छे रैंक लाना ही है। डोंट थिंक टू मच नेगेटिव एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अनिक भट्टाचार्य, कि द मेन क्वेश्चन इज
Will that be worth doing MTech from other colleges except IITs or top NITs and try to join product-based companies by doing DSACP? Well, it's certainly not a good option, but you can still try. Agar aap MTech karna hi chahte ho, toh definitely aap MTech kar sakte ho and try to get some job in product-based companies. But uske alawa bhi aap off-campus mein bhi baith sakte ho. Agar aapki main motive hai product-based company mein join karna, toh aapko MTech mein 2 saal waste karne ki koi zarurat nahi hai. Aap off-campus mein try kar sakte ho. Agar aap sach mein chahte ho MTech aapko karna hi hai, aapko higher studies ke liye MTech karna hai, toh better go for a good reputed college like IITs, IIITs or NITs, top NITs. Agar aap future mein higher studies mein aur bhi aage jana chahte ho, those reputed college, a degree from those reputed college will matter a lot. Jo normal college hai usse MTech karke utna aapko koi fayda nahi hone wala hai, balki nuksan zyada hoga. Normal agar aap tier 3 jaise college se MTech karoge to koi fayda nahi hai, theek hai, aapki nuksan bahut zyada nuksan ho jayega. 2 saal 3 saal to definitely waste ho jayega. So I'll definitely not suggest anything about that. Aap try karo GATE mein achhe rank karke, agar aapko top college mil jaye to bhi aap MTech karo, nahi to aap off campus mein DSACP wale problem solve karke usme off campus mein product based company try karo. The next question is from Shivam Singh. Sir, I'm an ECE guy. Should I go for AI ML or data scientist, or maybe should I go for VLSI? Which one to choose and which has better placement package? Well, the first thing is don't go for placement package. All the things are good. VLSI mein bhi kafi achhi opportunities hai, AI ML pe hai, software development pe hai, sare jagah pe alag alag opportunities hai. To agar aapko ML mein sach mein jana hai, to don't go for package. आपको इंटरेस्ट लेकर जाना है. पैकेज की इंटरेस्ट लेकर अगर आप जाओगे तो एक दो महीने, छः महीने, एक साल आपको आपको पैसे से इंटरेस्ट आएगा, उसके बाद आपको इंटरेस्ट लूज हो जाएगा. यू विल कीप हेटिंग योर जॉब. तो उससे बेहतर होगा जॉब को आपको अगर अच्छी लगता है AI ML तो उसमें जाओ, आपको अगर अच्छी लगता है VLSI उसमें जाओ, आपको अगर अच्छी लगता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आप उसमें जाओ. पैसा डेफिनेटली आपको फॉलो करेंगे. 3 years वाले डायलॉग में बोल दिया, ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ रिलेवेंट आर NPTEL वीडियोज फॉर क्लियरिंग द कॉन्सेप्ट एंड सॉल्विंग द प्रॉब्लम फॉर GATE क्वेश्चंस. वेल, NPTEL वीडियोज आर रियली गुड. दे कवर्स ऑल द टॉपिक्स, ऑल द सब्जेक्ट्स एंड दे आर लिटरली रियली गुड, बट दे आर टाइम कंज्यूमिंग अ बिट. तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, आप NPTEL में टाइम दे सकते हो. उनका कंटेंट बहुत ही अच्छा है. मेरा बहुत सारे दोस्त ने NPTEL, सिर्फ और सिर्फ NPTEL एंड स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक यूज़ करके भी GATE में बहुत अच्छी रैंक करके IIT में आया था. तो उसके साथ साथ आपको स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक भी पढ़ना है. NPTEL की सिर्फ और सिर्फ उसकी वीडियो से आपको कुछ नहीं होने वाला, आपको स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़ना है. उसकी वीडियो से आपको अंडरस्टैंडिंग लेना है कि हर टॉपिक को आपको पहले समझना है कैसे काम कर रहे हैं, उसको समझना है. उसके बाद स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़ो, कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा. एंड अगर एक बार आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो आप GATE क्वेश्चन क्या कोई भी कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे. सो बेटर गो फॉर NPTEL एज वेल एज स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक. ओके, तो लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन. ये क्वेश्चन मतलब बहुत दिनों से मैं रिसीव कर रहा हूँ, नॉट जस्ट इन दिस यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट, मेरा बहुत मतलब जितना सोशल मीडिया है एक ही क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाई डिड यू लेफ्ट VMware, व्हाई डिड यू लेफ्ट जॉब. क्या बोलूँ यार इसका आंसर. कुछ नया चीज़ करने के लिए, कुछ नया चीज़ ट्राई करने के लिए मैं ये कर रहा हूँ. सो यूट्यूब इज़ जस्ट अ बाई प्रोडक्ट ऑफ इट. इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ आने वाला है, शायद नेक्स्ट ईयर पे मैं बहुत सारी चीज़ लॉन्च करूँगा. तो दैट इज़ द वन थिंग कि मेरा कुछ खुद के लिए करने के इंटरेस्ट है, समथिंग आई नीड टू बिल्ड फ्रॉम द स्क्रैच, इसके लिए मेरा इंटरेस्ट है. तो देखो, जॉब तो मैं आज पा सकता हूँ, कल भी पा सकता हूँ, बट दिस इज़ द आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट टाइम फॉर मी टू टेक सम रिस्क एंड गो टू सम न्यू काइंड ऑफ टास्क दैट आई लव टू डू एंड आई वॉन्टेड टू डू. माई ड्रीम वॉज ऑलवेज टू हेल्प स्टूडेंट्स, ऑलवेज टू हेल्प लर्नर्स विद अ न्यू एंड एक्साइटिंग कॉन्सेप्ट, विद अ न्यू एंड एक्साइटिंग थिंग्स दैट दे वॉन्ट टू लर्न. एंड आई लिटरली टेक प्लेजर इफ द स्टूडेंट्स आर गेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम माई कॉन्टेंट्स. सो दैट इज़ द वन थिंग दैट मोटिवेटेड मी टू टेक दिस जर्नी. अगर मैं इसमें फेल हो जाऊँ तो डेफिनेटली अब मैं जॉब लेके कहीं पर भी जा सकता हूँ. तो लेट्स ट्राई दिस टाइम. आपकी सपोर्ट की जरूरत है इसके लिए. दिस चैनल को मेरे को और भी आगे ले जाना है. देर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स आई विल बी शेयरिंग विद दिस चैनल. देर आर प्लेंटी ऑफ अदर डिफरेंट थिंग्स आई विल बी लॉन्चिंग बाय द नेक्स्ट ईयर. तो प्लीज़ मेरे साथ रहो, मेरे को सपोर्ट करो. आई होप इट विल डेफिनेटली ग्रो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई विल बी एबल टू हेल्प अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जस्ट लाइक यू. सो दैट वॉज माई ड्रीम एंड इफ आई डू दैट माई ड्रीम विल बी फुलफिल्ड. सो दैट्स ऑल टू दिस Q&A वीडियो. आई होप आपने एंजॉय किया वीडियो को. एक लाइक डेफिनेटली करना एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब टू माई चैनल. वीडियो को अगर अच्छा लगा तो शेयर करना अपने दोस्तों के साथ. सो मिलते हैं अगले वीडियो पे एंड कीप पोस्टिंग रेगुलर क्वेश्चंस टू माय ऑल सोशल मीडिया हैंडल्स. आई रियली लव ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस. तो मिलते हैं अगले वीडियो पे. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.